नमस्कार, जेके आईटीआई निम्बाहेड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सीआरओ पर फ्रीक्वेंसी की गणना के बारे में बताने वाला हूं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन सीआरओ। फ्रीक्वेंसी की गणना से पहले आइए जान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। किसी सिग्नल के एक सेकंड समय में पूर्ण होने वाले चक्रों की संख्या उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ज़ होता है। यदि एक सेकंड समय में किसी सिग्नल का एक चक्र पूर्ण होता है तो उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एक हर्ज़ होती है। इसी प्रकार यदि एक सेकंड समय में किसी सिग्नल के तीन चक्र पूर्ण होते हैं तो उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तीन हर्ज होती है। इसी प्रकार एक सेकंड समय में यदि किसी सिग्नल के पांच चक्र पूर्ण होते हैं तो उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पांच हर्ज होती है, जैसा कि चित्र ए, चित्र बी और चित्र सी में आपको दिखाई दे रहा है। सिग्नल को सीआरओ की जिस स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है वह स्क्रीन कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रही है। इसमें दो अक्षों द्वारा स्क्रीन को चार बराबर भागों में बांटा गया है। ये अक्ष क्रमशः वर्टिकल अक्ष तथा हॉरिजॉन्टल अक्ष कहलाते हैं। हॉरिजॉन्टल अक्ष पर ही सदैव फ्रीक्वेंसी की गणना की जाती है। सामान्यतः किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का मान f बराबर 1/T सूत्र से ज्ञात किया जाता है। यहाँ t आवर्तकाल है। आवर्तकाल से तात्पर्य एक चक्र द्वारा पूर्ण होने में लिए गए समय से है। इस आवर्तकाल की गणना सीआरओ पर t बराबर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीजन इनटू टाइम बेस सूत्र से की जाती है। आवर्तकाल की गणना करने के लिए सीआरओ की स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल के एक चक्र द्वारा कवर किए गए हॉरिजॉन्टल डिवीजन के संख्यात्मक मान को सीआरओ के फ्रंट पैनल पर मौजूद टाइम डिवाइडर कंट्रोल द्वारा सेलेक्ट की गई टाइम पर डिवीजन मान के साथ गुणा कर आवर्तकाल का मान ज्ञात किया जाता है और आवर्तकाल के इस ज्ञात मान को f बराबर 1/T में t के स्थान पर रख कर फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात कर लिया जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज के इस वीडियो में बस हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको सीआरओ पर एम्पलीट्यूड की गणना के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।